हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 74, जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका साइंस है। डेट है जिसकी 21 जनवरी 2022। आप अपना नेम एंड अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर वाई डू वी फॉल इल एंड कॉजेज ऑफ डिसीज करेंगे। जिज्ञासा दीदी, वट आर द रीजन दैट पीपल सफर फ्रॉम डिसीज। ऐसे कौन कौन से रीजन हैं जिसमें लोग डिसीजेस यानी बीमारियों से सफ़र करते हैं? तो कहते हैं ज्ञान। यहाँ पे ऑल काइंड्स ऑफ डिसीज हैं, जो कि दो टाइप्स ऑफ रीजन से होते हैं। एक तो इमीडिएट रीज़न या इमीडिएट कॉज या कंट्रीब्यूटरी कॉज। इमीडिएट कॉज क्या होता है? ये एक प्रोमिनेंट रीज़न होता है जहाँ पे डिसीज़ माइक्रोब्स जो होते हैं एंटर करते हैं बॉडी में और वायरस की तरह, और जब ये एंटर करते हैं तो वायरल फीवर हो जाता है या बैक्टीरियल कॉज हो जाता है, टीबी हो जाता है। और कंट्रीब्यूटरी कॉज क्या होता है? ये बिल्कुल डिफरेंट होता है। ये एडिशनल कॉज होता है जो कि लोअर इम्यूनिटी या एड अप चांस ऑफ एक्वायरिंग अ डिसीज़, यानी एक चांस होता है आने का डिसीज़ का। जैसे एग्जांपल ले लें हम, मेल न्यूट्रिशन में भी अ कंट्रीब्यूटरी कॉज फॉर डायरिया एंड चाइल्ड, यानी अगर कुपोषण है तो मेल न्यूट्रिशन जो रहेगा वो कंट्रीब्यूटरी कॉज हो जाएगा अगर चाइल्ड को डायरिया है तो। या पुअर इकोनॉमिक कंडीशन भी है फैमिली की, उससे भी मेल न्यूट्रिशन होगा, जैसे जो पर्सनल इम्यूनिटी कम्युनिटी हाइजीन है वो हो जाएगी। या अन्य साफ पानी ना हो तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, तो ये कंट्रीब्यूटरी कॉज होते हैं। अब इमीडिएट कॉज भी दो टाइप्स के होते हैं, एक इन्फेक्शस कॉज एक नॉन इन्फेक्शस कॉज। इन्फेक्शस कॉज इन्फेक्शस डिसीज जो कि एक्सटर्नल रीज़न से हो, जैसे एक्सटर्नल रीज़न इन्फेक्शन एजेंट आते हैं। इन्फेक्शन एजेंट सारे यूनिसेलुलर माइक्रोब्स को इंक्लूड करते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ। सारे एग्जांपल फोटोज दे रखे हैं आपको। कुछ इंटेस्टिनल इन्फेक्शनल डिसीज होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, जैसे टेप वॉर्म, रिंग वॉर्म, अ डिसीज कॉल्ड एलिपिथाइसिस कॉज बाय डिफरेंट स्पीशीज ऑफ वॉर्म्स। एंड नॉन इन्फेक्शस डिसीज क्या होता है? डिसीज जो कि पर्सनल इंटरनल रीजन से होते हैं, कि इट मे बी नॉट इम्प्रॉपर फंक्शन, यानी कोई भी इंटरनल ऑर्गन इम्प्रॉपर फंक्शन कर रहा हो। जैसे दिस डिसीज हैव मोस्टली इंटरनल रीजन, यानी इनमें ज़्यादातर अंदर का रीज़न ही होता है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, एक्सेसिव वेट के लैक ऑफ एक्सरसाइज से होता है, थायराइड डिस्ट्रीब्यूशन थायराइडाइज्म से होता है, कैंसर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, यानी अगर हमारे पूर्वजों को है तो हमें भी होगा ही कैंसर। ऐसा नहीं है कि सबको ही होगा, किसी एक पर्सन को जाता है। सिमिलरली डायबिटीज़, लैक ऑफ एक्सरसाइज और एक्सेसिव इंटेक ऑफ कार्ब, यानी हद से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाने से या डायबिटीज़ हो जाती है, और एक्सेसिव इंटेक से या लैक ऑफ एक्सरसाइज से। अब इसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू बेसिक रीज़न दैट कॉज डिसीज इन आवर बॉडी। दो बेसिक रीज़न बताइए जो हमारी बॉडी में डिसीज़ लाते हैं। आपको एग्जाम्पल बताने हैं तो एक तो है इमीडिएट रीज़न, एक कॉज रीज़न कंट्रीब्यूटरी कॉज। तो इमीडिएटली कॉज में हो जाएगा, ये प्रोमिनेंट रीज़न है जहाँ पे माइक्रोब्स एंटर करते हैं और जस्ट लाइक वायरस एंटर करते हैं बॉडी में और वायरल फीवर होता है। कंट्रीब्यूटरी कॉज अलग होता है, ये एडिशनल कॉज होता है, लोअर इम्यूनिटी या एक्वायरिंग का चांस होता है। जैसे अगर किसी को कुपोषण का शिकार है कोई बच्चा, तो वो एक कंट्रीब्यूटरी कॉज होगा, क्योंकि उसे खाने को नहीं मिल रहा तभी वो बीमार पड़ रहा है, तो ये होता है कंट्रीब्यूटरी कॉज। थर्ड क्वेश्चन है, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू वी से दैट इन्फेक्शन डिसीज आर कॉज बाय एक्सटर्नल रीज़न। एग्जाम्पल दीजिए। तो इन्फेक्शन डिसीज एक्सटर्नल रीज़न से क्यों आते हैं? तो इन्फेक्शन डिसीज जो होते हैं वो एक्सटर्नल रीज़न से इसलिए आते हैं बिकॉज दीज एक्सटर्नल रीज़न आर इन्फेक्शन एजेंट। जो एक्सटर्नल रीज़न होता है वही इन्फेक्शन एजेंट होते हैं। इन्फेक्शन एजेंट जो होते हैं वो सारे टाइप्स ऑफ यूनिसेलुलर और माइक्रोब्स को इंक्लूड कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, आपको इमीडिएट कॉज और कोई दो कंट्रीब्यूटरी कॉज बताना है COVID-19 का। तो कंट्रीब्यूटरी कॉज तो हो जाएंगे इसके, इमीडिएट कॉज तो हो जाएगा वायरल फीवर, और कंट्रीब्यूट कॉज हो जाएगा मेल न्यूट्रिशन, यानी खाने को नहीं मिल रहा है, कुपोषण हो रहा है, और इकोनॉमिक कंडीशन, यानी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से जो उसे चाहता तो है कि वो खाए, वो बचे, वो ये सब करे, बट नहीं हो पा रहा है, तो ये कंट्रीब्यूटरी कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू वी से नॉन इन्फेक्शन डिसीज आर कॉज बाय इंटरनल रीज़न। तो हम क्यों कहते हैं कि नॉन इन्फेक्शन डिसीज इंटरनल रीज़न से होते हैं? तो इट मे बी ड्यू टू इम्प्रॉपर फंक्शन ऑफ एनी इंटरनल ऑर्गन। दिस डिसीज हैव मोस्टली इंटरनल रीज़न, लाइक हाई ब्लड प्रेशर इज कॉज बाय एक्सेसिव वेट एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज। तो ये आप कर लेंगे। ये थी आपकी आज की वर्कशीट।
आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइस।